ये फुटेज सामने आया था, लड़के का नाम जो आरोपी है साहिल करके सामने आया, जो कि मौके से फिर फरार हो गया था। तो हमारी काफ़ी टीमें इस पर लगी हुई थी, तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है, तो उसको एक बार लेके आ रहे हैं, बाकी की तफ्तीश इसमें जारी है। सर, पूछताछ के सामने मोटिव क्या था इस पूरी हत्या का? अभी पूछताछ चल रही है, बताएंगे। दोनों एक दूसरे को जानते थे? अभी ऐसा आ रहा है सामने कि शायद पहले से एक दूसरे को जानते थे। और क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहे थे, क्योंकि जैसे लड़की गली में जा रही थी, लड़के को पहले से पता था वो जा रही है, जैसे कि वो आया और उसने अभी ऐसा लग रहा है कि पहले से उसको पता था कहाँ जा रही है, तो इस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। लड़की कहाँ जा रही थी जब टाइम आते? अभी किसी फंक्शन में जा रही थी, अभी उस पर तफ्तीश जारी है। लड़का रहता कहाँ, दिल्ली का रहने वाला, बाहर रहता? हाँ, शाबा डेरी पुलिस स्टेशन एरिया का ही रहने वाला है। सर, अभी उसको कहाँ, मतलब क्या बताया कि कहाँ से चाकू लिया, क्यों मारा, कुछ मुझे? अभी इस तरह का सामने नहीं है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी डिटेन किया है, पता चलेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बुलंदशहर से अभी इसे गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके अभी दिल्ली लाया जा रहा है और आगे तफ्तीश में ही पता चलेगा आखिरकार इसके पीछे क्या मंशा रही, क्यों उसने साक्षी को मार डाला। सीन